सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आखिरकार क्यों आ रहा है और ये जो है सही कब तक होगा। तो अभी जो है ये वाला प्रॉब्लम मेरे वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में भी आ रहा था, जिसका कि स्क्रीनशॉट करके मैं अभी रखा हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ वो मैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हमें आ रहा है। हम एनालिटिक्स में जाते हैं वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में और यहाँ पर ये जो है हमें इस तरीके से ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है और ये जो है हमें क्यों आ रहा है वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, वी आर एक्सपायरिंग इशू विद द सिस्टम्स फॉर रियल टाइम डाटा, दिस में केस इन करेक्ट वी काउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ वीडियो परफॉर्मेंस, वी आर वर्किंग ऑन द इशू। तो ये इस तरीके से हमें ये जो है लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को इसको हिंदी में करके दिखाता हूँ। तो हिंदी में आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है, हम रियल टाइम डेटा के लिए सिस्टम के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह कारण हो सकता है गलत दृश्य संख्या और वीडियो प्रदर्शन की रिपोर्ट, हम मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो YouTube का कहना ये है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये जो है हमें ये जो दृश्य है कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है और ये जो प्रॉब्लम है वो जल्द ही सही हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है हमें यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग के भी वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में ये आ रहा है तो आप लोग घबराइए नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मैं स्क्रीनशॉट रखा था जब मुझे ये प्रॉब्लम आया था। अभी मैं आप लोग को अपने वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में चल के दिखाता हूँ। अभी मैं अपने वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में आता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो हट चुका है। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी कि ये रियल वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन है और ये जो है हमारा प्रॉब्लम यहाँ से हट चुका है। ये जो स्क्रीनशॉट मैं दिखाया हूँ आप लोग को, ये तब का था जबकि मेरे वाइटो स्टूडियो एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग घबराइए नहीं, ये जल्दी सही हो जाएगा। YouTube की तरफ से ये जो है कुछ प्रॉब्लम है, व्यूज़ को काउंट नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो ये जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही था वीडियो में, और अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और भी टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।